अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रेवल्स का यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त आया हूँ कराची के बीच पे, समुंदर पे। सारा दिन काफ़ी मसरूफियत रही ऑफिस के हवाले से। ऑफिस हमारा फाइनल हो गया डीएचए में। इंशाल्लाह जनवरी एंड में या फरवरी स्टार्ट में आप दोस्तों की दुआओं से और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हम कराची में अपना ऑफिस लॉन्च करेंगे। थोड़ी लाइसेंस का प्रोसेस है, इसमें महीने एक का तकरीबन वो लाइसेंस के प्रोसेस के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ऑफिस रनिंग में आ जाएगा। तो मैं और शीश इस वक्त हम आए हैं, ये साथ हमारे तलहा भाई हैं, इन्होंने बाइक राइडिंग की है इधर समुंदर के ऊपर। कराची का समुंदर कुछ एरियाज में काफ़ी साफ सुथरा है, जैसे क्लिफ्टन वाली साइड है, हॉक्स बे वाली साइड है और इसी तरह टर्टल जो बीच है काफ़ी साफ सुथरी बीच है, जहाँ पे आप आ सकते हैं, आके देख सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं। कराची में साहिल समंदर की भी उस तरह से जी शिप भी है, शिप भी है जी जी बिल्कुल, यहाँ पे शिप भी मौजूद है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, आ सकते हैं, कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा इसका एनवायरनमेंट है। तो आप में से जो भी दोस्त कराची आना चाहते हैं, कराची विजिट करना चाहते हैं, समुंदर देखना चाहते हैं, उनको चाहिए कि कम से कम दो दिन के लिए, एटलीस्ट टू डेज, क्योंकि यहाँ पे जो साहिल समंदर है, जो बीच है यहाँ पे कराची में, कम से कम 15 जगह पे 15 प्लेसेस हैं ऐसी समुंदर के साथ साथ जो कि आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे चंकी मंकी एक, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, चंकी मंकी एक पॉइंट है बच्चों के साथ, वहाँ पे आके बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों के साथ अगर आप आए हुए हैं, आप क्लिफ्टन आए हैं, क्लिफ्टन का बीच जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बीच है, लोग वहाँ पे आते हैं। अभी मेरे बैक साइड पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये सूरज जो है इस वक्त बिल्कुल ढलने वाला है और ये जो सूरज ग़ुरूब होने का मंज़र है ये मुझे बड़ा पसंद है, तो मैं इसीलिए स्पेशली इस टाइम पे यहाँ पे आया हूँ। और सारे दिन की मसरूफियत के बाद काफ़ी मुलाकातें भी हुई, मीटिंग्स भी हुई, काफ़ी ट्रैवलिंग भी की। उसके बाद जो मुझे मंज़र पसंद है वो शाम का है। इस वक्त यहाँ पे सूरज ग़ुरूब हो रहा है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि क्लिफ्टन वाली साइड पे अगर मैं जाता तो उधर शायद मैं ये मंज़र ना देख पाता सूरज ग़ुरूब होने वाला। इस वक्त सूरज अपने बिल्कुल आखिरी चंद उसकी किरणें बाकी हैं और सूरज बिल्कुल, ये देखिए मेरी बैक साइड पे अगर आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल सूरज ग़ुरूब होने वाला है और यही मंज़र देखने के लिए मैं इधर आया हूँ। बड़ी मुझे शौक़ था कि मैं इस मंज़र को अपनी आंखों से देख सकूं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मंज़र देख रहा हूं। अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सूरज ग़ुरूब हो रहा है यहां पे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये जो बीच है यहां पे, जो मैकडोनल्ड्स है यहां पे सी व्यू वाली साइड पे, ये मैकडोनल्ड्स के पास रश होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से बीच से लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे।